सदन की गरिमा को मेरा नमन। आज सदन पटल पर जो विषय रखा गया है वह है, क्या आज ग्रामीण भारत में नारीवाद एक वास्तविकता है? इसके पुरजोर पक्ष में मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, सबसे पहले वर्तमान भारत में जो स्थिति है, हम भारत को दो तरीके से देखते हैं। पहला ग्रामीण भारत और दूसरा है शहरी भारत, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं, जो विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, उस नजरिए से हम जो देखते हैं वह इंडिया कहलाता है। महोदय, कोविड 19 के दौरान 50% से ज़्यादा महिलाएं, भारत सरकार के एक सर्वे के अनुसार पता चला कि वे बेरोजगार हो चुकी है। तो इस स्थिति में एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, तो उन ग्रामीण महिलाओं का क्या होगा, क्या हुआ होगा जो शहरी महिलाओं की तरह साक्षर नहीं है? ऐसी स्थिति में क्या उनके साथ समस्याएं हो रही, क्या किस परेशानी से जूझ रही है, यह प्रश्न सामने आता है। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं नारीवाद की परिभाषा बता दूं। महोदय, नारीवाद प्रकृति है, अर्थात वह परिवर्तनशील है और उसकी परिभाषा बताना भी संभव नहीं। तो इसके अर्थ पर बढ़ते हुए बता दूं, नारीवाद महिलाओं को पुरुषों से उच्च दर्जा देना नहीं, बल्कि उनमें बराबरी, समानता और जो पुरुषों को अधिकार दिया जाता है उनमें वैचारिक समानता महिलाओं में लाना ही नारीवाद कहलाता है। अर्थात महिलाओं और पुरुष में भेदभाव किए बिना उन दोनों को समान अधिकार देना ही नारीवाद है। कोविड 19 के दौरान महोदय, ग्रामीण पुरुष अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और उनके ग्रामीण में जो परिवार है उनके पालन पोषण के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इस स्थिति में उनकी स्थिति तो और भी दयनीय हो चुकी है। परंतु यदि हम अर्थार्थ का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि ग्रामीण महिलाएं ही अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो चुकी है। वे सिलाई का कार्य सीख रही है, पीपीई किट्स और छोटे छोटे मास्क बनाकर लोगों को बेच रही है और औद्योगिक कार्य में अपना सहयोग दे रही है। यदि मैं विद्यालय की बात करूँ तो अभी हम ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ रहे हैं और घर में बेटियों के लिए लैपटॉप और फोन एक परिवार खरीद कर देता है, किसका उदाहरण है? ये उदाहरण बता रहा है कि आज बेटे और बेटियों में बिना अंतर किए हुए परिवार समझ चुका है कि बेटियां वो भी कर सकती है जो उनके बेटे कर सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है और अपने माता पिता का नाम रोशन भी कर सकती है। महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में जिसमें पिता की जायदाद पर बेटियों का भी हक दिया है, उससे यह साबित होता है कि जो प्राचीन प्रथा चली आ रही थी कि बेटियां पराए घर की होती है और उनका घर की जायदाद पर पिता के जायदाद पर कोई हक नहीं होता, यह समाप्त हो जाएगा और महिलाओं को जो समान सम्मान मिलना चाहिए अपने घर में, अपने पराए घर में जो उनका मायका कहलाता है, वह समाप्त हो जाएगा और उनको एक पूर्ण तरह स्वच्छता रूप जिंदगी जीने का अवसर मिल सकता है। महोदय, और आज वे खेलों में भी इतने इस तरीके से आगे बढ़ रही। उदाहरण स्वरूप देखिए ना, हरियाणा और पंजाब की ग्रामीण महिलाएं कितने किस हद तक आगे जा चुकी है और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। यही उदाहरण बताता है कि जो नारीवाद की स्थिति, यदि हम उसके अर्थ के महत्व के रूप में जाएं तो वह आज समाप्त हो चुका है, अर्थात समाप्त होने की कगार पर है। और आज महिला और पुरुषों में भेदभाव किए बिना बेटों बेटी और बेटों को समान रूप से अधिकार दिया जा रहा है, अर्थात उनमें वही चीज, बेटियों में वही चीज कल्पना की जाती है जो बेटों में कल्पना की जाती है आज के परिवार में। महोदय, और कुछ हद तक आगे बढ़ते हुए बता दूं कि हमारे महापुरुष ने जो कुछ इतिहास में जो सपना देखा था नारीवाद को लेकर भारत के लिए, वह आज सच्चाई बनकर उभर रहा है और यही एक ग्रामीण भारत की आज की वास्तविकता है। धन्यवाद।